बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25a² - 35a + 12। हमारे पास यहाँ पे सम जो है -35 है एंड प्रोडक्ट 12 5 60 कैरी 4 एंड 12 2 24 + 6 300। तो हमारे पास क्या हो गया 300। तो इसको हमने ब्रेक करना -35 को कि मल्टीप्लाई करें हमारे पास 300 आ जाए और प्लस करें 35, तो -20 and -15। सो इज इक्वल टू 25a² - 20a - 15a + 12। सो इज इक्वल टू, इसमें जो कॉमन वैल्यू आ रही है 5a इज कॉमन, 5 5s are 25 एंड a इज -5 4s are 20 माइनस, यहाँ पे हमारे पास दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है 3 इज कॉमन, सो 3 5s are 15 -+a प्लस इनटू -, 3 4s are 12। और सिंप्लीफाई करेंगे 5a - 4 इज कॉमन एंड 5a - 3। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया 5a - 4 जो है लेंथ हो जाएगी एंड जो हमारे पास 5a - 3 क्या हो जाएगी ब्रेड्थ। सो अगर हमारे पास इफ लेंथ हमारे पास 5a - 4 है तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगी हमारे पास, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5a - 3। इसी तरह से अगर हमारे पास लेंथ 5a - 3 होगी तो ब्रेड्थ हमारे पास 5a - 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35y² + 13y - 12। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, देखिए हमारे पास सम जो है 13 आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 12 5s are 60 -12 है, तो हम इसको करें 12 5s are 60 कैरी 6 12 3s are 36 42 माइनस के 420 आने चाहिए हमारे पास। ये किस तरह से बनेंगे देखिए, ये हमारे पास जो है किस तरह से पॉसिबल होगा, हमने इसमें अगर हम 28 प्लस के ले लेते हैं और -15 ले लेते हैं, देखिए 28 से 15 लेस करेंगे तो हमारे पास 13 बच जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 8s are 120 कैरी 12 एंड 12 15 2s are 30 +12 420, तो माइनस के 420 आ जाएंगे। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, सो इज इक्वल टू 35y² देखिए +28y - 15y आगे हमारे पास आ जाएगा -12। तो देखिए दोनों में जो कॉमन है 7, दोनों में कॉमन है y कॉमन है, 7y is common 7 5s are 35y +7 4s are 28 माइनस, देखिए 3 इन दोनों में कॉमन है 3 कॉमन ले लेंगे 3 5s are 15 y एंड -, +3 4s are 12। हमारे पास जो ये आ जाएगा 5y + 4 is a common इंटू 7y - 3। देखिए हमारे पास अगर ये लेंथ होगी तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी इसमें, लेंथ इज इक्वल टू 5y + 4 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 7y - 3। अगर हमारे पास जो है ब्रेड्थ 5y + 4 होगी तो लेंथ हमारे पास 7y - 3 हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डाइमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। हूज वॉल्यूम आर गिवन बिलो, तो हमें इसमें वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन नंबर 16, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फर्स्ट पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम हमें गिवन है 3x² - 12x। तो इसके जो हमने सिंप्लीफाई करना है 3x दोनों में कॉमन है, यहां पे रह जाएगा हमारे पास x, 3 4s are 12। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट से हमने इसको
ये करना, तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 3 एंड ब्रेथ हम ले सकते हैं इसमें इज इक्वल टू एक्स एंड हाइट इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। इसी तरह से हम इसको लेंथ मान सकते हैं, इसको ब्रेथ और इसको हाइट रीअरेंज कर सकते हैं। तो वन पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 3x एंड x माइनस 4। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 12k/2 प्लस 8k/-20k। इसके लिए देखिए 12k/2, 20 को हमने 12 से मल्टीप्लाई, तो सम हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। प्रोडक्ट जो है हमारे पास 12 0 0 12 24 -240 आने चाहिए। तो हम इसको किस तरह से जो है ब्रेक कर सकते हैं, देखिए इसके फैक्टर किस तरह से बनेंगे। अगर हम 20 में से 12 लेस करते हैं तो हमारे पास 8 प्लस क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -240 आ जाएंगे। सो इज इक्वल टू 12k/2 प्लस 20k/-12k/-20k। हमारे पास जो है सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा एंड k कॉमन है, y कॉमन है। 4 3 12 3 y + 4 5 20, k कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया 3 y + 5। इसमें देखिए हमारे पास जो है 4 कॉमन है तो -4 हम कॉमन निकाल लेंगे, k कॉमन है k निकालें। 4 3 12 --+3 y, 4 5 20 ये आ गया हमारे पास। तो इसमें से कॉमन वैल्यू जो हम निकाल लेंगे 3 y + 5 × 4k/-4k। इसमें से हमने कॉमन वैल्यू निकाल लेनी है 4 3 y + 5 × 4 कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया हमारे पास y - 1। ये वैल्यू जो है इसके पॉसिबल डायमेंशंस जो हमारे पास आ गए। अगर हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ इज 3 y + 5 एंड ब्रेथ इज 4k और हाइट हमारे पास आ जाएगी, हाइट इज y - 1। तो दीज आर द पॉसिबल डायमेंशंस। तो बच्चों कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3। थैंक यू।